अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाउ आर एवरीवन, यू हाउ आर यू मरियम? ऑल? अस्सलाम वालेकुम जी सर, एवरीवन, कि क्या हाल चाल है? हाँ जी, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? आई थिंक सो। थोड़ी सी आवाज कम है लेकिन इट्स नॉट बैड। ओके, इट्स ऑलराइट। और क्या हो रहा था, या कैसे हैं आप? बस कुछ नहीं हो रहा था। जितनी हड हरामी आदमी कर सकता है वो टाइम है जब आप करें, बिस्तर पर रहें, वहीं पर खाएं, वहीं पर बुक्स पढ़ें, वहीं पर लैपटॉप पे दे काम करें सारा। तो या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आप बताइए, आपका दिन कैसा गुजर रहा है? मेरा दिन अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अच्छा स्टार्ट था, अच्छा ही गुजर रहा है, बट थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, बाहर जा नहीं सकते, तो ऑफ आजकल बस कोर्स ऑफ शॉपिंग बड़ी मिस कोर्स। कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, आई हाँ कैन जी सर, इमेजिन। बेचारी खवातीन के लिए तो बहुत मुश्किल वक्त बहुत है, डबल मुश्किल मुश्किल सर, बहुत बड़ी आजमाइश वक्त आ गई ना एकदम से। बहुत बढ़िया। दैट्स सो ट्रू। और बताइए क्या नई ताजी है। गोइंग टू ऐड? हम नीमा को भी ऐड करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। मैं आप जब तक बात करें ऑडियंस से, हाँ जी प्लीज, आप ऐड मैं करिए। नीमा को इनवाइट कर लेता या सो आई हूँ। टॉक टू ठीक देम। जी तो कौन कौन देख रहा है हमें, प्लीज लीव योर कमेंट्स ताकि हम आपसे बात करें। और मेरी और सैल की यही कोशिश है कि जो बोरियत का थोड़ा सा टाइम जा रहा है आजकल, वो हम लोग मिलके बातचीत करके उसको थोड़ा सा दूर करें। तो बाकी आजकल आपको पता है जो कुछ भी चल रहा है, सो मेरी और सैल की यही कोशिश है कि हम आपको इतना ज्यादा उस बारे में ना बताएं, क्योंकि सबको बहुत कुछ पता है और मैं खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। अब जहाँ पर भी खोलो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बातचीत चल रही है। सो या गाइस, अभी ट्रू। हमें बहुत जल्दी नीमा ज्वाइन करेंगी, सैल इज ट्राइंग टू ऐड हर, एंड देन वी ऑल विल टॉक टुगेदर। इस शो का मकसद, लेट्स टॉक का मकसद ही है कि हम सब मिलके गपशप करें, सो लेट्स टॉक टुगेदर। जी सैल, व्हाट इज द अपडेट? जी बीबी जी, हो गया, बस सिर्फ 2 मिनट और देते हैं, अभी आ रही है नींबा। सो गाइस, जस्ट हमारी वन एक सेकेंड। पार्टनर, हमारी टीम मेंबर हैं निमा सईद, आप सबको पता होगा उनका, तो वो हमें इंशाल्लाह ज्वाइन कर रही हैं, फिर हम तीनों आपसे सही, मिलके बातचीत करेंगे। बिल्कुल गपशप करेंगे। इज दिस टू ब्राइट इन द बैक? नो इट्स ज्यादा फाइन, रोशनी हो रही है? इट्स नो इट्स फाइन। फाइन, ओके, हिलते यस। जब आप थोड़ा सा इधर होते हैं, बस हैं। इधर है, इधर है, इधर इधर, नहीं, यहाँ पर सही है। सही है, तो जबरदस्त है। तो आज आपने सुबह से क्या किया है मरियम? सर बस उठी, ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा टीवी देखा, फिर कुछ खाया। बस माइंड में ये चलता रहता है कि क्या खाना है नेक्स्ट। अच्छा, क्या खाना है? मेरा तो लंच साथ साथ चल रहा है, एक मिनट, अच्छा, इस तरफ से ही। ओ या पीनट नाइस, बटर। या गुड गुड गुड। तो आप एक्सरसाइज कुछ भी हो रही आज? है बिल्कुल हो रही है। यू आर अ जी? टी ड्रिंकर और कॉफी ड्रिंकर, क्या पसंद है आपको, चाय या कॉफी? मुझे चाय तो इतनी नहीं पसंद, कॉफी, हाँ, लेकिन कॉफी ज्यादा कॉफी पसंद भी है। इट डिपेंड्स सिर्फ विंटर में, अदरवाइज नहीं। अच्छा, नहीं, बिल्कुल आई भी लाइक कॉफी नहीं जिगर्स पीती एंड हैं। स्मूदीज बेटर मुझे लगती है। ओके, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। यस जबरदस्त। नहीं, मैं तो बगैर कॉफी के या चाय के नहीं रह सकता, स्पेशली कॉफी। या अच्छा, इसी एडिक्शन हो जाती है तरह ना। मुर्तजा के साथ भी हुआ, जब स्टार्ट में ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो वो जॉब पे जाने से पहले हमेशा टिम हॉर्टन्स है ना, या स्टारबक्स से चक्कर कॉफी लगाते लेते। हुए आप लेते हुए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अब उनको पता नहीं चल रहा था, कहते 3 4 दिन हो गए मुझे बड़ी माइग्रेन है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या हो रहा है, तो वो अच्छा, उन्हें सिम्टम्स आने शुरू हो गए, मेरा गला भी शायद खराब हो रहा है, तो फिर वो हमने फिगर आउट किया कि नहीं आप कॉफी नहीं ले रहे सुबह, ये वजह है। रीजन ये है। सही है। नहीं तो तो अगर एडिक्शन वो, है इसकी जिनको, बिल्कुल, बड़ी बुरी एब्सोल्युटली, है बहुत वो। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। राइट, सही और है। क्या मतलब, आप चाय नहीं लाइक करते? मैं चाय भी लाइक करता हूँ लेकिन मुझे कॉफी कुछ ज्यादा पसंद है। नीमा, हम आपकी राहों में आंखें बिछाए बैठे हैं दोनों। जी तो सैल अभी किसको, नीमा से कहाँ बात ऑन कर रहे किया? हैं। आई डोंट सी यू हियर। अगर आप लोग देख रहे हैं तो बताएं आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद हाँ, है। लिंक पे दोबारा कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, लिंक वो कह रही कनेक्ट है किसी करने वजह से में? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ओ ये है, तो ये बताइए मरियम जल्दी से कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर रेस्ट ऑफ द डे? रेस्ट ऑफ द डे, बल्कि आपसे निमा से पूछना था, कोई मूवी बताएं यार, कौन सी देखूं मूवी मैं?
मूवी कौन सी देखूं? आप क्या देखनी है आपको? उर्दू देखनी है, इंग्लिश देखनी है, कैसे देखनी जोन सी भी अच्छी है। है? जौन सी भी अच्छी है। मैंने अभी कोई इंग्लिश मूवी कोई बहुत ही ज़्यादा देखी थी अच्छी, जो मुझे अच्छी लगी थी, याद नहीं आ रही है। इट्स ओके। अच्छा, आ गई हैं नीमा, नीमा हमें ज्वाइन कर रही हैं। नाइस। हेलो मैम। हेलो हेलो, गाइस। हेलो कॉफी गाइस। चीयर्स। हाउ आर यू नीमा? कॉफी गाइस। और क्या कैसे हाल हो है? तुम? और बिल्कुल मेरे ठीक बिल्कुल ठाक ठीक ठाक है, और मेरा पीनट बटर भी आपके लिए है, ओह माय इससे भी चीयर्स गॉड। करेंगे। ओह सो हाउ इज एवरीथिंग? और नीमा, क्या हो रहा था? गुड। आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय टी। नाइस। या दिस इज अभी अ हम टी के गुड। बारे में ही बात कर रहे थे। या इट्स ट्रू बिकॉज़ एवरीबॉडी इज स्टेइंग होम एंड हैज टू डू समथिंग राइट एंड स्पेशली दिस इज अ गुड आइडिया टू द कॉफी डेट बिल्कुल। एंड टू द वर्चुअल वीडियो राइट सो वी कैन टॉक व्हाट एवर वी वांटेड टू टॉक। तो जबरदस्त। आज क्या बात करेंगे साल आप? आपसे सवाल ये है पहला, कि जो मैंने मरीम से ही पूछा था कि आप टी ड्रिंकर हैं या कॉफी ड्रिंकर हैं? टी 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 ड्रिंकर हैं। ड्रिंक। ओह अच्छा, ओह सो हमारे टी हमारे जो ओके। व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं हमारे हमें इस वक्त, वो भी बता सकते हैं कि वो टी ड्रिंकर हैं या कॉफी ड्रिंकर हैं। यस तो मैं आप कमेंट्स में हमें लिख के बता सकते हैं कि आर यू अ टी अ टी लवर ड्रिंकर, और अ कॉफी लवर? चलिए टी लवर और कॉफी मैं लाइक लवर। कैपेचिनो और लाते भी समटाइम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जब यू नो जब आप आउटसाइड अच्छा जाते हैं नाइस। कॉफी डेट के लिए तो फिर अच्छा लगता है। घर पे नीमा, तो यू आजकल मुझे आप सबसे क्या ज्यादा रही मिस होता कर रही हो है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सॉरी व्हाट? सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही हो आजकल? यार आउटसाइड जाना, आई एम सो बोर्ड नाउ शॉपिंग? राइट। नहीं तो शॉपिंग लाइक यू नो थोड़ा सा आउटडोर वॉकिंग कर लेते हैं लेकिन आई लाइक टू गो टू द मॉल ईट बिल्कुल आउट राइट। बिल्कुल। बहुत ज्यादा आई थिंक घर पे हो गए ना, हाँ बहुत ज्यादा हो गया है पता है, टू मच हो गया है। फ्रस्ट्रेशन हो रही इसलिए हमने कॉफी डेट रखी है वर्चुअल कॉफी डेट के हम बोर ना हो। राइट डेफिनेटली। और हम हाँ सबको सबको एडवाइस करेंगे कि वो लोग भी बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिबलिंग्स के साथ जो उनके साथ नहीं रहते हैं, उनके साथ कॉफी डेट बनाएं और एंजॉय करें अपने टाइम को, और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें। मैं अभी सुबह सोच रहा था कि जिस तरह जो बड़ी फैमिली में लोग रह रहे हैं, मैं इतफाक से अकेला रहता हूँ, लेकिन जो लोग 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग साथ में एक घर में रह रहे होते हैं, और चूंकि इस वक्त सब लोग फ्री हैं तो हर वक्त एक दूसरे के सर पे सवार रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मुझे ये लगा कि उसके लिए बेहतरीन आइडिया ये है कि आप अपना स्केड्यूल डिजाइन कर लें, डिसाइड कर लें कि सारा दिन में आपने बहुत सारा टाइम जो है अपने लिए भी गुजारना है, तो अपने लिए भी रखना है कि आप जाएं, अगर आपने ऑफिस के लिए अभी भी आप घर से काम कर रहे हैं तो वो काम कर लें, या अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, अगर कोई और काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपना देख लें कि आपने बुक्स पढ़नी है, कोई मूवीज देखनी है, कोई सीरीज बिंज वॉच करनी है, आपने कोई टीवी शो देखना है, या आपने कोई और भी एक्टिविटी करनी है, तो वो टाइम अपने लिए भी रखें और बाकी वक्त जो है वो अपनी फैमिली के साथ डिसाइड कर लें कि आप साथ में डिनर करेंगे, साथ में लंच करेंगे, अपने लिए कोई गेम टाइम रख लें कि आप एक साथ जमा होकर वो गेम खेलें। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छी एक्टिविटी रहेगी, और बीच बीच में आप सबको एक दूसरे से ब्रेक भी मिलता रहेगा, तो ये नहीं लगेगा कि यू आर यू नो हवर नहीं कर रहे हैं आप उसके किसी के ऊपर भी, बहुत ज्यादा सर पे सवार नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक दैट दैट विल बी गुड आइडिया। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल दैट्स राइट। ओके यू से मरियम फर्स्ट। मैंने से समथिंग बिल्कुल सही कहा सर। ये व्हाट डू यू मीन से समथिंग? नो बिकॉज़ आई मरियम नीड कुछ अ तो कहो, डिफरेंट लिल्ला खुदा ओपिनियन के लिए राइट। कुछ कहो। नो बिकॉज़ आई एम गोना ऐड माय ओपिनियन आफ्टर मरियम। सर आपने गलत लिया है। नीमा का कहने का मतलब है कि अगर मैं स्टार्ट करूंगी या नीमा बोलेंगी तो वो हम दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी राइट। हो जाएगी या तो हम डिसाइड करें कि पहले कौन बात करे इस पे फिर सेकंड पर्सन। चलिए ठीक हाँ है। और तो मेरे किस क्या फ्रेंड्स डिसाइड हुआ यूएस है, में है ना क्या डिसाइड हुआ है? हमारे। अच्छा चलिए सॉरी मेरे नीमा। पास स्टार्ट कीजिए। ओके तो जो सेल ने बोला उसके अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ कि बड़ा सही कहा कि अपनी रूटीन थोड़ा से सोच लें कि क्या करनी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन जो है ना वो एक फिक्स बनती नहीं है डेली बेसिस पर। हाँ आप कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या मतलब नेक्स्ट होने वाला है क्योंकि अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में है तो फिर यू नो फिर चेंजेस होती रहती हैं। कभी बच्चों के साथ कोई और प्लान बन जाता है। कुकिंग का अगर आपने सोचा हो तो वो बीच में रह जाती है, कोई और काम आ जाता है, तो ऐसे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती रहती है। बट सही बात है। या इट्स गुड अगर आप लाइक प्लानिंग करके चलें। इट्स फाइन इट्स नाइस।
नहीं, मुझे मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को उनका टाइम भी दें, जिस तरह आपको मी टाइम चाहिए होता है, हर एक को अपनी स्पेस हाँ, चाहिए मी होती है, टाइम राइट? बहुत इम्पोर्टेंट है, मी तो मेरा टाइम ख्याल है कि हर फैमिली बहुत मेंबर को मी टाइम का मौका मिलना चाहिए, और वो इस तरह से स्केड्यूल करें कि सिर्फ क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारें। बिल्कुल बिल्कुल जी। नीमा, आप क्या कहेंगी इस बारे में? अच्छा, मैं यही कहूंगी कि मैं ज्वाइंट सिस्टम में नहीं रहती, राइट? तो घर में ओनली 3 पीपल हैं, तो आई थिंक वी हैव अ पर्सनल टाइम है हमारे पास, और हम लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को, और आई थिंक दिस टाइम तो बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, राइट? सही है, आई ये थिंक भी ठीक मरियम है। जो है कहीं जा चुकी है। मरियम, हाँ, शायद उनका मोबाइल हिल गया है, ये कुछ हो गया है, तो ओके, एनीवे शी कैन स्टिल ज्वाइन अस जब वो रेडी होंगी। तो ठीक है नीमा, ये और बताइए कि आज आपने सुबह से क्या किया है, अब तक क्या एक्चुअली मैंने आज अपने आप को थोड़ा मसरूफियत रही? अपग्रेड किया है। मैंने आज सोचा कि मैं बिल्कुल कहीं जाना नहीं है, लेकिन मुझे गेटअप होना है, रेडी होना है, और फिर उसके बाद मुझे अपनी खुद पर्सनली यू नो सेलिब्रेट करना है अपने आप को, और ओके, आराम क्या से उठूँ मैं और बात कॉफी कही पी आपने, लूँ मैं, हाँ और बिल्कुल जबरदस्त। हाँ बिल्कुल। आप यू घर पर हैं तो आप ये मत कीजिए कि बिल्कुल अपने आप को छोड़ दें। आई थिंक यू हैव टू गेट रेडी कि आपको फील हो कि यू नो कि आप अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को कैरी भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह। क्योंकि समटाइम क्या होता है, घर पे रहते हैं तो आप कहते हैं यू नो व्हाट, कौन रेडी होगा, क्यों एफर्ट किया जाए, लेकिन आई थिंक आपको करना चाहिए। सही बात है, और मेरे ख्याल में अपना ख्याल करना, अपने साथ दोस्ती होना भी बहुत अच्छी बात है, जो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने आप को सेलिब्रेट करना। मैं समझता हूँ अगर हमें हम लोग ये, और ये पता है आपको नजर आता है क्योंकि आई नो यू ऑफलाइन एज वेल, कि आप माशाल्लाह यू आर अ हैप्पी पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह, साथ में आप अपने आप को भी बहुत टाइम देती हैं, इंपॉर्टेंस देती हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मेरे ख्याल में दैट्स अ गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम सबको अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, और मुझे लगता है कि अपना दोस्त होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं या तो अपने स्पेशली दोस्त जो अच्छे हैं। आपको नहीं, साल में एक और चीज ऐड करूंगी, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो आपके पास आई थिंक बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको, तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सही ऑल द बात है। टाइम आप बिजी होते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो उसके साथ साथ मुझे लगता है ये टाइम आपके पास इतना ज्यादा एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपको वरी नहीं है कि बच्चों को स्कूल जाना है या फिर किसी को वर्क पे जाना है, तो आपके ठीक बात पास है, लॉट ऑफ टाइम, तो यू हैव भाग टू दौड़ चल रही होती है इन्वेस्ट। बहुत ज्यादा, हाँ हाँ बिल्कुल, सही आई बात है। अच्छा, अगर थिंक ये हम एक और मसला लोगों के साथ है जो आजकल जिस तरह से सोशल आइसोलेशन में हम सब हैं, तो ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से अपने आप को मेंटेन किया जाए, जैसे कि हम मोस्टली खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या सो रहे हैं, वी आर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम जो होना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर इतना काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। आई थिंक मरियम कनेक्ट हो रही है। एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, कुछ हॉबी जो आपकी पहले पुरानी हॉबी थी उसको आप बिल्कुल दोबारा रिवाइंड कीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिवाइंड करी हूँ चीज़ों को, क्योंकि यू नो समटाइम आप बहुत सारे कोर्सेज करके होते हैं पहले, जो वर्कशॉप्स करके होते हैं थोड़ी बहुत, राइट? तो उसको आप जो है रिवाइंड कर सकते हैं जिस टाइम पे, मैं मरियम को ऐड क्योंकि करने अगर की आप कोशिश कर रहा वर्क हूँ, मगर हाँ वो करती हो रही हाँ है। मरियम को पहले ऐड कर लीजिए, या मरियम आई थिंक आ रही है, तो मुझे आई लगता है आप थिंक रिवाइंड कर सकते हैं आपकी सारी हॉबीज को। या वेरी गुड आइडिया, या या और मतलब मैं रेगुलरली लोगों को अपने घर में भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हेलो, ऑफ वेलकम बैक कोर्स, मरियम। हाँ आई थिंक मरियम का नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। एनीवे तो हम एक्टिविटी की बात कर रहे थे साल, बिल्कुल घर पे वॉक कीजिए, अगर घर पे आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो आप ड्राइवे पे वॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जिम तो जा नहीं सकते, जिम सारे क्लोज हैं यहाँ पर, बिल्कुल तो सही है। स्ट्रेचेस कर सकते हैं। योगा इज अ गुड थिंग, योगा, टाई ची, सो मेनी थिंग्स, जुम्बा क्लासेस, और इफ यू लाइक डांस यू कैन डू डांसिंग क्लासेस, स्पेशली यूट्यूब पे अवेलेबल है, और इस पे आजकल जो है वो ये हो रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, या एवरीथिंग इज ऑनलाइन अवेलेबल, राइट? सही बात है, यूट्यूब पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं, स्ट्रेचिंग देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, उनको बिल्कुल फॉलो या करें अपनी स्क्रीन पे, उसको डाल के कंप्यूटर टीवी के ऊपर, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप जिस जो आपको हेल्प कर सकती हैं खुद को मेंटेन रखने के लिए। और उसके अलावा आप जो है जो मूवीज हैं वो आप क्या देख रही हैं, आपने रिसेंटली क्या देखा है आपने? मैंने एक्चुअली रिसेंटली अभी वॉच की है हिडन फिगर, मैंने वॉच की है, बहुत ही अच्छी मूवी है कौन सी मूवी? हिडन फिगर, या अमेजिंग फिल्म, अमेजिंग बिल्कुल, अमेजिंग या मूवी, और या मुझे हमेशा ही वुमेन एम्पावरमेंट की मूवीज बहुत अच्छी फैसिनेट करती है मुझे, बहुत तो वो बहुत बहुत मूवी ज्यादा अच्छी है। इतनी इतनी अच्छी है ना कि नो वर्ड।
और स्पेशली आप ये देखें स्टोरी, इस फिल्म से ये पता चलता है कि औरतें बेचारियों ने, बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, औरतों ने बहुत कुछ जिंदगी में अचीव किया है, लेकिन वो अनसंग हीरो बन के रह गई हैं। हालांकि अगर आप देखें उनका कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी नासा के अंदर, उन तीनों औरतों की, तीनों खवातीन की, और वो कितनी फॉरवर्ड थिंकिंग भी थी कि उन्होंने ये सोचा कि हम जो है अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमें खुद को अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, वो जाके कंप्यूटर सीखती हैं, क्योंकि पहले वो लोग टाइपिस्ट या इस तरह कुछ सीन था, वो थी ऑपरेटर सीन। तो इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये कहानी है। अमेजिंग। और मुझे एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लगी कि जब मैं लास्ट ईयर फ्लोरिडा गई थी तो मैं नासा सेंटर गई थी, बिल्कुल कैनेडी नासा सेंटर, और वहां पे जाके मैंने सारी जो स्पेस शिप्स एंड ऑल द यू नो जो उनके अच्छा आपने विजिट किया था, ऑसम, वेरी हाँ नाइस, मैंने विजिट किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वेरी इंटरेस्टिंग चीजें थी वहां पर, नाइस। जो स्पेसशिप होती है पुराने जमाने में, यू नो हाँ जब बनाई थी उन्होंने जो फर्स्ट टाइम, वो उन्होंने वहां पर रखी हुई है मतलब पीपल के लिए। कौन सी स्टेट तो में इट्स है सच अ वो, फैसिनेटिंग। कहाँ पर आई एम सॉरी, फ्लोरिडा देखा, कौन सी स्टेट में देखा था आपने, कहाँ देखा था? फ्लोरिडा में, कैनेडी में, स्पेस है ना वहाँ पर, कैनेडी जी, स्पेस सेंटर। आप जब हम जाते हैं वहाँ पर तो आप यस विजिट कीजिए, पूरा का पूरा श्योर, सेंटर जा अगर सकते हैं वहाँ पर। और इट्स सच इंटरेस्टिंग, और आपको इतना अमेज लगता है वहाँ पे जाके। और अच्छा वहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं जो स्पेस के रिलेटेड टू स्पेस, तो आप जब एक अच्छा राइड पे जाते हैं तो आप यू फील लाइक यू आर ऑन स्पेस, नाइस नाइस नाइस। तो इट्स सच अ फैसिनेटिंग, मुझे बहुत अच्छा मरियम, लगा। अच्छा मरियम से पूछते हैं, मरियम आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। नहीं, मेरे ख्याल में आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ से निकाल के और आपको दोबारा इनवाइट सेंड करता हूँ, ठीक है? ओके परफेक्ट और जी। सर आपने कोई मूवी वॉच की राइट नाउ? मैं बताता हूँ, उससे पहले हमें अभी मिर्जा फैयाज अहमद हमसे ज्वाइन किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मिर्जा फैयाज। उन्होंने लिखा है कि सर सोशल वर्कर से कहें कि अपना ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, विच इज अमेजिंग ऑल द पीपल हु आर वॉलंटियरिंग राइट नाउ, और जो सोशल वर्क कर रहे हैं, तो नहीं कह सकते वॉलंटियर कर रहे हैं, वो उन सबको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह के हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको लिटरली, के वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त हम सबकी सेहत के लिए और हम सबकी So जिंदगी my clapping goes to them. My के लिए। clapping. स्टैंडिंग ओवेशन, और उनको बहुत Yeah. ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा आप Okay. जब तक हमारे ऑडियंस से बात करें नीमा, मैं मरियम को इनवाइट कर देता हूँ, So गो अहेड। फयाज बताया था आपने। अच्छा फयाज आप बताइए कि आप जो है क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आइसोलेशन पीरियड है तो मैं चाहूंगी कि आपने जो है एक्टिविटीज को शेयर कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके साथ हैं तो आप उनका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और हमें बताइए कि आप कहाँ से हमें मैसेज कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान से कनेक्टेड है हमारे साथ फयाज अच्छा पाकिस्तान से कनेक्टेड है, ओके मां, इन्होंने क्योंकि जो मैसेज लिखा है वो उर्दू में लिखा है। अच्छा उर्दू में लिखा है, ओके या बिल्कुल। अपनी जहाँ से भी आप हमें वॉच करें प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हमें शेयर कीजिए हमारे साथ अपनी एक्टिविटीज को, और हमें बताइए कि आप इस आइसोलेशन पीरियड में क्या क्या आवाज आ रही एक्टिविटीज है? कर रहे हैं, हॉबीज कर रहे हैं आपकी। आई एम सॉरी मिनीमा, आई एम सॉरी आर ऑडियंस एज वेल, एंड मरियम मैं आपको बाहर निकाल रहा हूँ, आपको नया लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज उसका वेट कीजिए, थैंक यू। सॉरी गाइस, हाँ जैसे प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे नेट पे और हम मरियम का भी वेट कर रहे हैं, लेकिन एनीवे आप बात कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी ज्वाइन करें हमारी लाइव कवरेज को। बिल्कुल, और एंजॉय कर सकें ये टाइम, टी टाइम हमारे साथ। ये हमारा टी टाइम है बिल्कुल, ये देखिए मेरे पास टी है, और अगर आप भी टी के साथ इंजॉय करना चाहते हैं इस वीडियो को, इस लाइव कवरेज को, तो आप बिल्कुल हमारे साथ इंजॉय कीजिए, और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में तो आई थिंक इतना कोल्ड नहीं होगा वेदर, थोड़ा सा वार्म ही होता है, तो आप अपनी कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हमें बताइए कि आप क्या ड्रिंक कर रहे हैं, अगर आप कुछ ड्रिंक कर रहे हैं तो। अरे बिल्कुल हाँ, और जो स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में जिस वक्त लोग हमें देख रहे हैं वो उनको तो चाय कॉफी की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वाकई आप सही कह रही हैं, वार्म वेदर है और इस वक्त थोड़ा सा रात का वक्त भी है, तो उनके लिए लेकिन उनके लिए भी ये एडवाइस है कि प्लीज बाहर मत जाइए, घर पर रहिए अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमारी तरह वर्चुअल कॉफी डेट कीजिए या कोल्ड ड्रिंक डेट कीजिए। कोल्ड ड्रिंक डेट कीजिए, मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक डेट इज द बेस्ट। और मरियम इज बैक, हेलो मरियम, यू हेलो अगेन, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ।
मरियम, आपको याद है कि पहले भी ऐसा हुआ था कि आपके फोन में कोई चीज ऑफ थी, साउंड का या वॉल्यूम का कोई चीज ऑफ थी लास्ट टाइम? नहीं। अच्छा, आप एक काम करें, आप इस तरह करें कि आप हमें, हमसे टाइप करके बात कर लें कमेंट्स के ऊपर, फेसबुक पे जाके कमेंट्स पे आप जो है वो बात कर लें। इस्लामाबाद में है इस वक्त, और आप लोग कहाँ से ऑनलाइन है? मिर्जा फयाज, हम लोग टोरंटो कैनेडा से ऑनलाइन है, और हम जो है एनजे डिजिटल टीवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए इस वक्त हम लाइव ट्रांसमिशन, लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं। नॉर्मली हमारा एक टीवी चैनल है जिसपे रेगुलर प्रोग्रामिंग होती है, जिसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और मरियम हमें फोन कर रही हैं, मरियम से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्यों, क्या हुआ? ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप अपना फोन रीस्टार्ट करके दोबारा वो लिंक ट्राई करेंगी तो हो जाएगा। इट्स अप टू यू। ठीक है, ऑल राइट। सो मरियम इज हैविंग सीरियस टेक्निकल डिफिकल्टीज राइट नाउ, और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं प्रोग्राम टाइमिंग, इस वक्त आप पाकिस्तान में क्या टाइम है? हम नॉर्मली 3 बजे, 3:30 समथिंग लाइक दैट। तो 3 PM का मतलब है सर पाकिस्तान में 12:30 AM हुआ है, तो आप 45 मिनट्स पीछे कर लें। आप 11:45 पे हम लोग ऑनलाइन होते हैं पाकिस्तान टाइम से, और इस तरह से 3:30 होते हैं राइट साला, हमेशा ऑनलाइन हो जाते हैं 3 o'clock। ओके, और ज्वाइन कीजिए जरूर। और उसके अलावा अगर इंडिया से कोई देख रहे हैं तो वो तकरीबन उनका टाइम और पीछे हो जाएगा, 11:15 पे वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम यूट्यूब, फेसबुक हर जगह लाइव होते हैं, फेसबुक मोस्टली। और जी, तो मेरे ख्याल में मरियम जो है वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो कहीं थी बहुत मुश्किल हो रही है उनको कनेक्ट होने में। वी आर मिसिंग हर, होती तो बहुत मजा आता और गपशप होती। आज हमने बड़े अच्छे अच्छे प्लान बनाए थे, तो हम क्या करते हैं नीमा, कि हम अपना फेवरेट गेम खेल लेते हैं। ओके श्योर, ठीक है, ठीक। तो आप पहले करना चाहती हैं और शुड आई गो फर्स्ट? मैं करूंगी, और मैं चाहूंगी इससे पहले हमारे जो व्यूअर्स में वॉच करें वो भी इस गेम को हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए, और अपने जो आंसर्स हैं वो हमारे कमेंट्स में दीजिए, ताकि हमें पता चले कि वो क्या सोचते हैं इस बात के वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल सही है, तो थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे साल, इस गेम को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं ताकि उन्हें पता चले। जी बिल्कुल, तो गेम इस तरह है, और नीमा ये कह रही है कि अगर हम ये करते हैं कि हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, हम वर्ड गेम है बेसिकली, तो वर्ड बोलते हैं तो अगले पर्सन को, दूसरे पर्सन को इमीडिएटली जो भी पहला वर्ड दिमाग में आता है वो उसका जवाब देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ बारिश, तो वो उनके दिमाग में दूसरे के जो भी आता है, किसी को बारिश पसंद है, किसी को बारिश नहीं पसंद है, तो जिनको बारिश पसंद है वो तो कहेंगे कि रोमांटिक या कुछ भी, तो जिनको नहीं पसंद है वो शायद कहेंगे कि इनकन्वीनियंस। तो इट्स अप टू यू। तो इसी तरह जब हमसे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो प्लीज आप लोग भी उसी के साथ साथ जवाब दें और हमारे साथ इस खेल का हिस्सा बने, ठीक है जी। और इसमें इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली कोई इनाम नहीं है, जो भी जीतेगा उसमें वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट फॉर फन। जी नीमा, आप स्टार्ट करनी थी। चलिए मैं स्टार्ट करूं। ओके, आई एम गोना स्टार्ट से पाकिस्तानी मूवीज। गुड गुड। ओके, एंड हाउ अबाउट हॉलीवुड? व्हाट सर, हॉलीवुड मूवीज? ऑफ कोर्स, मोस्टली मैं हॉलीवुड ही देखता हूं, तो आई थिंक गुड अगेन। ओके, हाउ अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो? I like him. He's good. Yeah. Okay. Cold weather? I enjoy that too. Okay. Yeah. All right. So 4 questions karne hai ya? 5. I could continue. 5. Hmm. Okay. Spice food or mayo? Spicy. Spicy. Okay. Yes. All right. So I'm done. I'm a brown person, right? So I definitely like. Okay, so हमारे व्यूअर्स को आप चेक कीजिए, इन्होंने किसी ने भी हमें आंसर किया हो साल, अभी तक तो नहीं किया लेकिन लोग, हाँ, काफी लोग देख रहे हैं हमें,
ہمارے پروگرام کے اس وقت, لیکن اتفاق سے وہ سوچ رہے ہیں ابھی کہ وہ اتنی جلدی جلدی سوال کیے ہم نے تو وہ ریپڈ فائر میں گم ہو گئے. سو لیٹ می آسک یو ٹو مور, ٹھیک ہے؟ چلو سی, اوکے, آل رائٹ. اوکے, سمر ویدر, فن, فن, آؤٹ ڈورز, آل رائٹ. اچھا, او مائی گاڈ, کوسچن دینا بہت مشکل ہے بھائی. چلیں میں سوال کرتا ہوں. پینٹ بٹر, ہم سر پینٹ بٹر, او سینڈوچ, کافی, کافی, یو ڈونٹ ہیو دیٹ, انجوائمنٹ, آئی لائک ٹو انجوائے, صحیح. پارٹی, پارٹی, او فن, اوکے, پارٹی از فن, آل رائٹ. اچھا جی, اور بارش, آئی تھنک از اے میریکل, بیوٹیفل. ٹی وی ڈراما, ٹی وی ڈراماز, آئی لائک ویب سیریز, یو ٹاکنگ اباؤٹ لانگ پلے اور ویب سیریز, اینی تھنگ, اینی تھنگ, ویب سیریز, ڈراماز, آئی تھنک انٹرٹینمنٹ, نائس. کینیڈا, او بلیسنگ, بلیسنگ, بلیسنگ کنٹری. اچھا, گریٹ, زبردست, آپ نے بہت اچھا کھیلا, بہت اچھے جواب دیے. نیما, میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, بالکل, اور ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, اور جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں, کینیڈا, یو ایس, پاکستان, انڈیا یا اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان سب کو یہی کہنا ہے کہ اپنا خیال رکھیں, پلیز اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ جائیں, اور اس وقت گھر میں رکیں, اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کریں, کیونکہ اسی طرح سے ہم اس مانسٹر کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہرا سکتے ہیں, اس کو سلے کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں یہ, بلکہ اپنی فیملی, اپنے بچوں, اپنے فرینڈز, اپنے لوڈ ونس کے لیے کر رہے ہیں, تو آئی تھنک جسٹ اسٹے ہوم اور اسٹے سیف, میں یہ کہوں گا. گھر میں آپ کو جو بھی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے وہ سب موسٹلی گھر پہ موجود ہے. آپ کو اگر کوئی آئیڈیاز آتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ اچھا ٹائم, ہیلدی ٹائم اور زیادہ فن ٹائم گھر میں گزاریں وائل یو آر ہوم, تو اس کے لیے ہمیں ضرور ہمارے کامنٹس میں لکھیے. نیما, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں صرف یہ کہوں گی اینڈ میں کہ بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے, اور ہمارے جو ویورس ہیں پلیز ہمیں جوائن کیجیے اگین اینڈ اگین. سال بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ سال اپنے آپ بہت سارے ہوسٹ لے کر آئیں گے, رائٹ, ڈفرینٹ ہوسٹ آئیں گے آپ کے شو میں. ہمارے شو میں ڈفرنٹ ہوسٹ نہیں آئیں گے, ہمارے شو میں ڈفرنٹ گیسٹ آئیں گے, گیسٹ آئیں گے, آئی ایم سوری, ڈفرنٹ گیسٹ. آپ چونکہ گیسٹ سلیش ہوسٹ ہیں تو اس لیے آپ کو ہم دونوں طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن اس پروگرام میں, اس شو میں, اس لائیو فیس بک ٹرانسمیشن میں ہم جو ہے ڈفرینٹ گیسٹ کو بلائیں گے, بالکل. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے لائن اپ موجود ہے اس وقت گیسٹ کی, اور جلد آپ لوگ دیکھنا شروع ہو جائیں گے. تو سو کیپ واچنگ آور شو نیکسٹ ٹاک, اور فور ناؤ آپ اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ, اللہ.